पूरे आरसीबी को डराने के लिए अकेला बंदा काफी है। कल कैमरन ग्रीन बहुत अच्छा खेल रहा था, पहली बार उसका फॉर्म चल रहा था, आ गया और विकेट लेके गया, बेचारे को खेलने भी नहीं दिया। यश दयाल ने पूरी तैयारी की थी रिंकू सिंह के लिए और मार के गए सुनील नारायण और फिलिप सॉल्ट। मिचेल स्टार्क ने पूरी कोशिश की आरसीबी को जिताने की, बट क्या करे, सिर्फ चार ही ओवर थे बेचारे के पास, तो जितना हो सके पूरा कर दिया था। सांप को पाल रहा था। सुनील नारायण पिछले 2020 से चल नहीं रहा था, बट आज आरसीबी को देख के क्या हो गया पता नहीं उसको, दिए दो हाथ, क्या गलत किया। आरसीबी ने फाइनली रिकॉर्ड बना ही दिया केकेआर से 10वीं बार हारने का। तो आज मैच है लखनऊ और पंजाब के बीच। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। टीम न्यूज की बात करूं तो टीम में कोई चेंजेस नहीं लग रहे हैं, वही टीम रहेगी। शायद इम्पैक्ट प्लेयर अगर पंजाब का चेंज हुआ तो हो सकता है, पंजाब के इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं प्रीति जिंटा, जो अकेले ही लखनऊ को हरा दे, क्या कहते हो। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो ये इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है, यहाँ पे एवरेज स्कोर 152 का है, बैटिंग यहाँ पे डिसेंट है, बॉलिंग टाइप स्पिनर फ्रेंडली है। लास्ट 5 आईपीएल मैचेस में पेसर्स को 32 विकेट्स मिले हैं और स्पिनर्स को 33 विकेट्स मिले हैं, मतलब दोनों को सेम बराबरी से मिले हैं विकेट्स। तो डिफेंड यहाँ पे बायस्ड है, फर्स्ट बैटिंग 9 बार जीती है, सेकंड बैटिंग करते हुए 3 बार जीती है, एक्सपेक्टेड स्कोर यहाँ पे 180-200 का है। पिच रिपोर्ट में और बात करूँ तो पेसर को स्टार्टिंग में अच्छा स्विंग मिलता है, बाद में स्पिनर्स बहुत चलते हैं यहाँ पे, तो स्पिनर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। की स्टैट्स की मैं बात करूँ तो केएल राहुल का एवरेज स्कोर यहाँ पे अच्छा है और पंजाब के खिलाफ भी बहुत अच्छा है। दीपक हुडा और निकोलस पुरन का एवरेज बहुत खराब है यहाँ पे। स्टोइनिस का बैटिंग और बॉलिंग रिकॉर्ड दोनों अच्छा है पंजाब के खिलाफ, बट बॉलिंग करेगा तो चूज करना क्योंकि पिछले बार उसको बॉलिंग नहीं मिली थी। बात तो सही है। कुणाल पांडे का भी बॉलिंग और बैटिंग दोनों का रिकॉर्ड अच्छा है यहाँ पे। बिश्नोई ने 5 विकेट लिए हैं 3 मैचेस में पंजाब के अगेंस्ट और 9 विकेट लिए हैं 6 मैचेस में ये ग्राउंड पे। यही नहीं, अभी और सुनिए। पंजाब के खिलाफ नवीन उल हक ने 3 विकेट लिए हैं एक ही मैच में और 9 विकेट लिए हैं 6 मैचेस में। और लखनऊ के खिलाफ शिखर धवन ने सिर्फ 6 रन बनाए हैं 2 मैचेस में और सिमरन सिंह ने 13 रन बनाए हैं 2 मैचेस में। सैम करन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है ग्राउंड पे एलएसजी के अगेंस्ट भी। जितेश शर्मा पिछले बहुत मैचेस से अच्छा खेल रहा है, बट लखनऊ के अगेंस्ट उसका एवरेज बहुत कम है, सिर्फ 9 का एवरेज है उसका। हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह ये दोनों का रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है ग्राउंड पे। वही रबाड़ा ने 8 विकेट लिए है 3 मैचेस में लखनऊ के खिलाफ और 2 विकेट लिए है ये ग्राउंड पे 1 मैच में। देवदूत पडिक्कल आपके की प्लेयर होंगे क्योंकि उसका पंजाब के बॉलर्स के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है, कोई उसको आउट कर नहीं पाया तो उसको आज पक्का लेना आप। मस्त प्लान है। फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की बात करूं तो केएल राहुल मस्ट पिक है, बहुत कम रिस्की है तो स्मॉल लीग में जरूर लेना। डीकॉक दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो, पुरन और जितेश शर्मा फर्स्ट बैटिंग रही तो ही ट्राई करना और सिमरन सिंह को आप अवॉइड कर लो। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। शिखर धवन थोड़ा स्लो खेलेगा बट खेल लेगा, बेस्टो का लक नहीं है वरना वो बड़ा स्कोर कर सकता है। पडिक्कल मस्ट पिक है स्मॉल लीग में, वो आपका ट्रम्प प्लेयर हो सकता है। हुडा और बदनी दोनों को ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, रिस्की है स्मॉल लीग में तो रहने दो फिर। सैम करन ऑलराउंडर है तो स्मॉल लीग में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वही लिविंगस्टोन बैटिंग फर्स्ट रहेगी तो सेफ प्लेयर है। स्टोइनिस और कृणाल पांड्या दोनों बैट और बॉल दोनों से अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्टोइनिस लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं किया बट आज शायद बॉलिंग कर सकता है, तो उसको शायद अगर बॉलिंग के लिए कुछ न्यूज आए आपको तो जरूर पिक कर लेना। बॉलर्स की बात करूं तो अर्शदीप सिंह, रबाड़ा, नवीन उल हक और हर्षल पटेल ये सारे इंपॉर्टेंट बॉलर है, जो भी फर्स्ट बॉलिंग करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रवि बिश्नोई को दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो, वही राहुल चाहर को आप सेकेंड बॉलिंग करता रहेगा तो ट्राई करना। मुनीस खान और हरप्रीत ब्रार आप इसको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में बहुत रिस्की प्लेयर्स है।
मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मैच प्रेडिक्शन में बढ़ने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मेरा मैच प्रेडिक्शन ये है, पडिक्कल, केएल राहुल और डीकॉक फर्स्ट बैटिंग रही तो बहुत अच्छे से चलेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे ये लोग। बात तो सही है। निकोलस पुरन और स्टॉइनिस इन दोनों में से कोई भी फर्स्ट बैटिंग रही तो शॉर्ट ओवर्स में वो लोग बहुत अच्छा स्कोर, बड़ा स्कोर करेंगे। नवीन उल हक, कृणाल पांड्या और बिश्नोई ये दोनों में से एक में से किसी के साथ विकेट ले लेगा। पंजाब के लिए शिखर धवन, बेयरस्टो और सैम करन ये लोग रन बनाएंगे। और बैटिंग फर्स्ट रही तो लिविंगस्टोन या जितेश शर्मा, ये कम ओवर में बड़ा स्कोर करने के चांसेस बहुत है ऐसा मुझे लग रहा है। अर्शदीप सिंह और हर्षल पटेल फर्स्ट बॉलिंग रही तो विकेट्स लेंगे। राहुल चार और रबाडा बॉलिंग सेकंड रही तो विकेट लेंगे। तो यही थे मेरे आज मैच प्रेडिक्शन। मुझे लग रहा है लखनऊ आज मैच जीतेगी, बट पंजाब का कुछ भरोसा नहीं है, अच्छे खेल लेंगे तो उनको भी जीतने के चांसेस है। समझ रहे हो आप? वीडियो के एंड में मैंने टेम्पररी टीम दिया है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। भाई ने बोला करने का तो करने का। मेरे वीडियो में आपको ऐसे ही ज्ञान मिलता रहेगा जिससे आप अच्छी से टीम बना सको, आप अपने प्रेडिक्शन कर सको। आपको ग्रैंड लीग जीतनी है, स्मॉल लीग में टिप्स चाहिए। तो मैंने उस पर डिटेल वीडियो बनाई है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, जाके चेक कर लीजिए। 25 दिन में पैसा डबल। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मुझे कमेंट करके बताएं आज कौन सी टीम जीतेगी और फैंटेसी टीम में कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा पॉइंट देगा, प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। चलिए फिर मिलते हैं।